बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चीज़ी बर्गर बनाएंगे। उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, मैंने दो रोल लिए हैं। एक मैंने अनियन लिया था, उसको मैंने ब्रीक कर लिया है। शिमला मिर्चे मैंने ली हैं पेपर जानी के, दो मैं दो तरह की हैं, दो दो टेबल स्पून हैं। ये मेरे पास कॉर्न है, ये भी ये एक प्याली मैंने ली है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, क्वार्टर टी स्पून नमक लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी, एक से दो टेबल स्पून। अब इसमें मैं अनियन डालूंगा। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए इस तरह से भूनूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी। नमक डाल के इसको 2 मिनट के लिए और भूनूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसको निकालूंगी। अब इसी पान में मैं व्हाइट सॉस बनाऊंगी इसके लिए। ये मेरा हो गया है। अब मैं सॉस बनाऊंगी। सॉस के लिए मुझे जो चीजें चाहिए, दूध मैंने लिया है 1 कप, मैंने ये चीज ली है मोजरेला चीज 1/2 कप, अरगानो लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर लिए हैं, काली मिर्च कुटी हुई 1/2 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, 2 टेबल स्पून प्लेन फ्लावर लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी। इसमें मैं बटर डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर लूंगी। प्लेन फ्लावर को डाल के इसको थोड़ा भून लूंगी लो फ्लेम पे। जब तक इसकी अच्छी से अच्छी भून आने लगे उस वक्त तक भूनोगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। मैं देखो मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दूंगी। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी, ये जो गुठलियां बन गई हैं इसको अच्छी तरह से मैं ठीक करूंगी। ये देखिए अब गाढ़ा सा सॉस बन गया है। अब मैं इसमें सारी चिली फ्लेक्स डाल दूंगी, ब्लैक पेपर, नमक, अरगानो, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं नमक मिर्च। अब इसमें मैं चीज डाल दूंगी। थोड़ा चीज को मैं ऐड करूंगी। बस इसको इतना ही पकाना है, चीज थोड़ी मेल्ट हो जाए। अब मैं सॉस को
जो मैंने सब्जियां बना के रखी थी उसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह सब्जियों को मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको रोल को थोड़ा सा ऊपर से काट लूंगी इस तरह से। देखिए काफी जगह बन गया और इसके अंदर में डाल दूंगी इसको। इसके अंदर अगर आप पिज्जा सॉस लगाना चाहें या कुछ और इस तरह भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से अब मैंने इसको फिल कर लिया। अब दूसरा मैं इस तरह कर लूंगी करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मैंने रखना है। ये दोनों मैंने बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी मोजरेला चीज डाल दूंगी। आप डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें ना डालें, ये ऑप्शनल है। इसके अंदर भी डाली हुई है चीज। अब इसको मैं आप इसको रख सकते हैं अवन में भी। मैं इसको पान में बनाऊंगी। फ्लेम को ऑन करूंगी। इसको लो पे कर दूंगी। दोनों रोल मैं इसके अंदर रखूंगी। इसको ऊपर से कवर करके मैं इसको 5 मिनट के लिए रखूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से चीज मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको निकालूंगी। इसके ऊपर थोड़े से मैं चिली फ्लेक्स डाल दूंगी डेकोरेशन के लिए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ये चिली फ्लेक्स ना डालें, ब्लैक पेपर ही डाल के बना लें। बच्चे जो नहीं खाएंगे स्पाइसी है, जो लोग स्पाइसी खाते हैं वो डाल दें। मेरे चीज़ी बर्गर रेडी हैं। मेरी रेसिपी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखिए। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।